हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आई थिंक पेज नंबर इस पे है क्या? नहीं है तो लेट मी चेक वंस कि ये क्वेश्चन पेज नंबर आपको यही पे है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है अपने को। 59 पे मिलेगा सर, ठीक है, पेज नंबर 59। सो चलिए यहाँ पे फिर भी मैं आपके लिए मेंशन करके रख रहा हूँ, पेज नंबर 59 पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, ठीक है। सो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो क्या लिखा है, अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। अभी ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग पहले लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड, ठीक है, प्रेरणा। ईयर एंडिंग भी हमको मिला है 31 मार्च 2019, आगे भी सेम लिख देंगे 31 मार्च 2019, पार्टनर्स कैपिटल में भी सेम 31 मार्च 2019 और अपने बैलेंस शीट में भी सेम 31 मार्च 2019, ओके। अभी सम सॉल्व करने के अपने पास सर 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप में अगर आप बोलोगे तो पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो कि हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया और ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस के आइटम को रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, फिर वो ट्रेडिंग हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल या फिर बैलेंस शीट। अगर आपने थियरी का लेक्चर नहीं देखा है तो डू वॉच आवर थियरी लेक्चर, पोस्टिंग वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट है सभी टॉपिक्स का अकॉर्डिंगली, फाइनल अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो ये जो स्टॉक है, कैन आई से इट इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पैटेंट इज आवर असेट, डेटर इज आवर असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सर ओनली स्टेशनरी रहता ना तो प्रॉफिट एंड लॉस, पर अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो ये असेट जाएगा, स्टॉक रहेगा तो असेट, ठीक है। ट्रेडमार्क अपना इंटेंजिबल असेट है तो इट इज आवर असेट, बिल्स रिसीवेबल इज आवर असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग हीटिंग फिटिंग अगर आपने ये सुना रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंसेस यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न है, माइनस करो सेल्स से, पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग इज योर असेट, फर्नीचर इज योर असेट, कैश बैंक इज योर असेट, इन्वेस्टमेंट इज योर असेट, और ये जो ड्रॉइंग्स है, ठीक है, तो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट का डेबिट में। बैड डेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, परचेस से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। अभी योर नेक्स्ट पार्ट इज दिस, ओके, क्रेडिट साइड वाले आइटम्स देखते हैं। पहला है कैपिटल, तो क्या नहीं से इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, लोन है तो लाइबिलिटी, एनी काइंड ऑफ फंड इज योर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में बिल्स पेबल इज योर लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस करेंगे परचेस से ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ठीक है। आरडीडी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये पार्ट हमारे लिए सिंपल बना जब हमने थियरी लेक्चर को प्रॉपरली देखा, हमको ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉपरली समझना होता है, बाकी सब मोस्ट ऑफ द आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा और बैलेंस शीट वाला पार्ट, जैसे कि लाइबिलिटीज कुछ फिक्स है वो लाइबिलिटीज हमने देखे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अभी एडजस्टमेंट्स को भी रीड करेंगे। सो एडजस्टमेंट्स के ऊपर अगर आप आओगे, एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे कौन से एडजस्टमेंट दिए, ठीक है। देखो फर्स्ट चीज क्लोजिंग स्टॉक दिया 31 मार्च में, यहाँ पे आपको पता चलेगा एक कॉस्ट प्राइस है और एक मार्केट प्राइस है। सो यहाँ पे कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये वाला वैल्यू लेना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे 17 और 12 ये वाला अमाउंट दिया है तो आप देखोगे कि आप 12,000 वाला अमाउंट हमको कंसिडर करना है, ठीक है। और इसका इफेक्ट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ओके। सो लेट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देखिए आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज 800 रुपीज, ठीक है। मिस्टर शेखर इज आवर कस्टमर हु इज फेल टू पे
हिज ड्यूज, ओके, वो पे करने के लिए हमको लाइबल था 800 रुपीज, बट वो नहीं दे पाया. कैन आई से इट इज इट बिकम्स बैड डेट्स. जो डेटर हमारा पैसा देने वाला था अभी नहीं देगा, तो ये बैड डेट्स बन जाता है. तो हम डेटर में से इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. तो डेटर के ऊपर हमको टिक करना पड़ेगा. मिला डेटर, तो डेटर के ऊपर टिक करोगे. नेक्स्ट चीज, 1/8 ऑफ पैटेंट आर टू बी राइट ऑफ. सो पैटेंट को राइट ऑफ करना है, माइनस करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है. एसेट का वैल्यू हमारा कम हो गया, तो पैटेंट को भी आप टिक करोगे. देखो पैटेंट, सो पैटेंट के ऊपर आप टिक करोगे. नेक्स्ट चीज, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस ऑन 1st October. ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए दिया है कि बाबा आधा फर्नीचर हमने ये डेट को परचेस किया है. तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट के दोनों को टिक कर लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ठीक है, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है क्योंकि डेप्रिसिएशन करना है. माइनस करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे. नेक्स्ट चीज है वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, बाकी तो ऐड करेंगे, खर्चा बढ़ गया हमारा, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. ठीक है, सो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को टिक करो. वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. नेक्स्ट चीज है आपका, देखोगे आप अगर आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, जो भी कैपिटल रहेगा पार्टनर्स का उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. बिजनेस ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को देता है, बिजनेस से खर्चा हो गया, राइट, हमारा नुकसान हो गया, कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल के कैपिटल साइड में, राइट, वो जो क्रेडिट साइड में हम लोग कैपिटल लिखते हैं वहाँ पे लिखेंगे. और बिजनेस के लिए तो नुकसान हो गया क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो अकॉर्डिंगली ये सब करना है. अभी अगर आप देखोगे तो मैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया कि हम सम 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं. जैसे कि पहला अपना स्टेप होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, ये हमने किया. सेकेंड चीज रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, ये चीज हमने किया. अभी नेक्स्ट चीज हम लोग करेंगे पोस्टिंग, और पोस्टिंग के लिए स्टार्ट करेंगे विद द ट्रायल बैलेंस के 1st आइटम से. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज योर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट अगर आप देखोगे तो 8560 लिख दो, 8560. ठीक है, जिसको टिक किया है उसको अंदर लिखेंगे, और अगर जहां पे टिक नहीं है तो उसको बाहर लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चीज पेटेंट और संड्री डेटर्स है 2000 और 18500 लिख देंगे, एक एक टिक है दोनों के ऊपर. तो असेट साइड में पेटेंट पेटेंट इज 2000 रुपीज, राइट, और 18500. ठीक है, पेटेंट इज 2000 और संड्री डेटर्स 18500. ठीक है, एक एक लाइन छोड़ना है, एक एक लाइन छोड़ना है. नेक्स्ट पार्ट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 रुपया, ट्रेडमार्क 2000 रुपया. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी है, पर इतना इसको याद रखिएगा साथ में अमाउंट. ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 रुपया लिख दो. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 लिख दिया. नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद ट्रेडमार्क था, तो ट्रेडमार्क भी लिख देते हैं. उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल था, तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख देते हैं. अभी अमाउंट देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख दिया हमने 3000, ट्रेडमार्क 2000 और 6300. ठीक है, सो चलिए आगे बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1450, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 और ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
1450 टिक है, अंदर लिखा और एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट 1450। ओके नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, वेजेस 950, तो चलिए वेजेस लिख देते हैं 950। टू वेजेस, इसके ऊपर भी टिक है, 950 और टिक है तो एक लाइन छोड़ दिया। ओके यस, नेक्स्ट थिंग वेजेस के बाद हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 रुपीज लिख दो, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 रुपीज। टू हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज ट्रेड एक्सपेंसेस 850। सो ट्रेड एक्सपेंसेस 850 लिख दो सर, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है तो ट्रेड एक्सपेंसेस 850। ₹850 ठीक नहीं है तो जाने दो बाहर। सेल्स रिटर्न ₹400, तो सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे लिखो पहले, बाय सेल्स माइनस करेंगे सेल्स का रिटर्न कितना था सर ₹400। ठीक है, यहाँ पे आप सेम ये साइड में परचेस के बारे में लिख सकते हो, टू परचेसेस माइनस करेंगे परचेस का रिटर्न्स। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए सेल्स रिटर्न 400 था लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 22, फर्नीचर 13, 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 लैंड एंड बिल्डिंग 22, फर्नीचर 13। ठीक है, दोनों के ऊपर एक एक टिक था तो एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक ₹5000, इन्वेस्टमेंट ₹7500। ठीक है, ₹50 कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैश एट बैंक इज योर 5000 और ये है 7500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्राइंग्स लिखना है 1200 और 900, ड्राइंग्स लिखना है 1200 और 900। ठीक है, देखो टू ड्राइंग्स 1200 और 900, हमारे पास अर्चना है और प्रेरणा है, अर्चना है और प्रेरणा है। ठीक है, चलिए चलिए सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ड्राइंग्स हो गया, बैड डेट्स 200, परचेसेस 23700। बैड डेट्स पहले लिखते हैं 200। ठीक है, सो वॉच हियर, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पहले लिखेंगे बैड डेट्स और वो कितना है ₹200। ठीक है, और नेक्स्ट इज योर बैड डेट्स 200 लिखा,
23,700, तो परचेस में लिखेंगे परचेसेस 23,700, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, ये साइड हो गया, अभी वो साइड में जाएंगे। देखो कैपिटल लिखना है पहले 40 और 20, पार्टनर्स कैपिटल में 40 एंड 20 लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में 40 एंड 20, ठीक है। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने जैसे कि आपको बताया था 40 और 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अगर आप अदर लोन्स और रिजर्व फंड, दोनों लाइबिलिटी क्रिएटर्स बिल्स पेबल, ठीक है। सो ठीक है, पहले ये लिखते हैं लोन्स और फंड 3,000 और 1,000, तो चलिए अदर लोन्स इज 3,000, रिजर्व फंड इज 1,000, लेट मी चेक वंस अगेन, अदर लोन्स 3,000 एंड 1,000 हमने लिखा है, देखो 3,000 एंड 1,000। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, अभी हमारा अदर लोन्स एंड रिजर्व फंड लिख के हो गया, नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी है, तो चलिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल, और अगर इसका आप अमाउंट देखोगे तो क्रेडिटर्स इज 17,500 एंड बिल्स पेबल वॉज 5,000, राइट। सो चेक इट, 17,500 और 5,000, परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करेंगे 1,000, तो चलिए परचेस में जाओगे और अमाउंट अगर आप देखोगे तो वंस अगेन चेक कीजिएगा, परचेस रिटर्न वॉज 1,000, ठीक है। तो परचेस रिटर्न 1,000 है, 1,000 अगर आप माइनस करते हो 23,700 में से, तो कहना है से 22,700 आपके पास बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम रहेगा आपके पास आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में 500 लिखना है आपको, सो ओल्ड आरडीडी 500, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम ओल्ड आरडीडी लिख रहे हैं, बाय ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी इज 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम चेक करो एक बार, सेल्स है 30,200, सेल्स लिखो 30,200, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 30,200, कहना है से आपको दोनों आइटम मिल गया। अभी 30,200 में से अगर 400 जाएगा तो आपके पास बचेगा 29,800, ओके। अभी नेक्स्ट आइटम आपके पास है इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 310 रुपया, सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड 310 रुपया इंटरेस्ट, ठीक है। देखो बाय इंटरेस्ट और अमाउंट क्या है सर, 310 रुपया, ठीक है। एंड दिस एंड्स विथ यूर पोस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। अभी हमने फाइनल अकाउंट का सम 5 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहला स्टेप अपना था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड मेक ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, खत्म। सेकेंड स्टेप था अपना रीड द एडजस्टमेंट एंड मेक टिक मार्क, वो भी क्या हो गया, खत्म। थर्ड स्टेप था अपना पोस्टिंग, वो जो कि हमने ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग भी खत्म कर लिया है, ठीक है। अभी इसके अगला वाला पार्ट है एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के लिए, तो वन बाय वन हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एडजस्टमेंट के साथ चालू करेंगे। स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो भी कम प्राइस है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड 12,000 का इफेक्ट हमको देना है, तो चलिए वन बाय वन आप भी साथ में वही करो। देखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000, सेम इफेक्ट देना आपको कहाँ पे, असेट साइड में, तो यहाँ पे मेंशन करो
क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है माय डियर? 12,000। ठीक है, सो हियर यू आर डन विथ एडजस्टमेंट नंबर वन। ठीक है, अभी सेकेंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखिए, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे इज ड्यूज, बताया था बैड डेट से 800 डेटर में से माइनस कर देंगे और नुकसान हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो चलिए 800 रुपीज माइनस करना है हमको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एट हंड्रेड माइनस, इसको कहते हैं हम लोग फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो अगर 18,500 में से अगर 800 रुपया जाएगा तो आपके हाथ में आई थिंक 17,700 रुपया बचेगा। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे इसका, फर्दर बैड डेट से टू फर्दर बैड डेट्स 800 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। 1/8 ऑफ पेटेंट राइट ऑफ करना है, 1/8 पेटेंट, पेटेंट का अमाउंट एक बार देखो हमने लिखा है, देखो पेटेंट 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज का अगर 1/8 अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो योर पेटेंट इज 2,000, 1/8, राइट, 1/8। ठीक है, 2,000 × 1 = 2,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 × 2 = 16। ठीक है, बचा कितना? 4, 8×5 = 40। ओके, 0, 250 आ गया। सो ये 250 हमको क्या करना है? राइट ऑफ, राइट ऑफ इज नथिंग बट अ माइनस ही करना है। ठीक है, 2,000 में से अगर 250 गया तो क्या ना इसे आपके पास बचेगा 1,750, असेट कम हो गया। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे टू पेटेंट क्या हो गया? राइट ऑफ। ठीक है, सो चलिए राइट ऑफ कितना हो गया सर? 250, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 250। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे माय डियर फर्नीचर का अमाउंट, ठीक है, फर्नीचर का अमाउंट है 13,000। ठीक है, यही पे मैं आपको बता देता हूं, ये फर्नीचर में से देखिए देखो फर्नीचर का टोटल वैल्यू इन्होंने 13,000 दिया है, और ये 13,000 में से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो 5,000 का फर्नीचर है ना वो कब आया? 1 अक्टूबर 2018 को बिजनेस में आया। तो कहना है से 8,000 का फर्नीचर पहले से था, 5/13 में से 5 1 अक्टूबर को आया, तो ये जो बचा हुआ रहेगा 8,000 वो पहले से था। तो इसके ऊपर अगर फर्नीचर का आप डिप्रिसिएशन उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो कि 5% है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का रेट है 5%। देखो डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10 और फर्नीचर 5%, तो उसके लिए बात चल रही है सब। 8,000 अगर शुरू से था ना माय डियर, तो देखो 8,000 के ऊपर 5% मतलब 100 × 12/12, क्योंकि ये शुरू से था, 12 महीना था, और ये तो वैसे भी चला जाएगा, ये दो टकले ये दो टकले 8×5 = 40, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 5,000 के ऊपर आप डिप्रिसिएशन 5% अगर निकालोगे, ठीक है 5% ना, 5% है, 5% अगर आप निकालोगे, वो भी कितने महीने के लिए? 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने के लिए। सो ये 6/12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, नीचे दो है, ये दो टकले ये दो टकले, 5×5 = 25, 1 0/2, इसका भी आधा करोगे तो आई थिंक 125 आ जाएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन क्या हो गया? 400 और वो 125, 525 हो गया। तो 525 आपको यहाँ पे माइनस करना है, देखो फर्नीचर के लिए, फर्नीचर के लिए डिप्रिसिएशन कितना माइनस करोगे? 5%, 525 हो गया। ठीक, और ये माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे बचना चाहिए 12,475। ठीक है, दोनों का डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हम लोग बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में साथ में लिखेंगे। फिलहाल लैंड एंड बिल्डिंग का 10% भी माइनस कर दो, माइनस डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का, तो वो एट द रेट 10% है, 10% 2,200 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक जो
अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा, राइट, मतलब पहले भी समय बताया मैंने। तो ये 22,000 में से 2,000 गया, 20 बचेगा, तो 19,800 आपका बचेगा, ठीक है। तो 2,200 और 525 डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे। तो देखिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2,200 और ये 525 रुपया, तो 500, 600, 700, 2,725, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लो, डेप्रिसिएशन का हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस से 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से 200, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, राइट, बाकी एक्सपेंस तो आप ऐड करो, वेजेस कितना है 300, ठीक है, तो वेजेस में आ जाओ, 300 ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 300, 9, 10, 11, 1250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 है तो अगले इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कर दो ऐड, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, 1650, ठीक है। वे दोनों का साथ में एक्सपेंस हमारा बढ़ा तो लाइबिलिटी में जाना चाहिए, चलिए लेके जाते हैं 300 और 200। देखिए तीन सौ दो सौ आउटस्टैंडिंग, पहला तो है वेजेस और दूसरा है, देखिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पहला है वेजेस और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 500, ठीक है, हो गया दोनों इफेक्ट। अभी आई थिंक लास्ट एडजस्टमेंट अपने पास बचा रहेगा एक, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल के नीचे उसका इंटरेस्ट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के नीचे इंटरेस्ट 3% है ना, तो 3% कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 ना, तो 1200 और 3 × 2 = 9, 3 × 2 = 6, तो ये 600 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ये तो कैपिटल यहाँ पे लिखा आपने तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट उसके नीचे, और ये पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस देता है तो खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1200 और 600 यहाँ पे लिख देंगे, 1200 और 600, ठीक है। सो चलिए लिख देते हैं 1200 और 600, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो लोग है, एक है अर्चना और एक है प्रेरणा, 1200 और 600, तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट डन हो जाता है, कोई हिडन एडजस्टमेंट्स अगर सब में है तो देखो, कोई सब में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट खत्म कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग सम को टैली करेंगे, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर टोटल करोगे आप तो पहला है आपका 29,800 प्लस ये 12,000 को ये करना है, 41,800 समथिंग अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक, 41,800, और यहाँ पे भी आप लिखोगे 41,800, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ माइनस कर दो, 8,560 माइनस 22,700 माइनस 1,250 माइनस 1,000, ठीक है, तो आ जाएगा 8,290, इसको आप कहोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये आगे जाएगा 8,290 प्रॉफिट एंड लॉस में, सो यहाँ पे आप लिखोगे 8,290, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ब्रॉड डाउन कहलाएगा
2290, ठीक है, इसका आप टैली करोगे 8290 प्लस 310 प्लस 500, तो यह आ जाएगा 9100, सो 9100 यहाँ पे और 9100 यहाँ पे, ठीक है। अभी 9100 में से सब माइनस करो, 1650 माइनस 850, ठीक है, माइनस 200 माइनस 800 माइनस 250 माइनस करोगे 2725 माइनस करोगे 1800, तो आपका आ जाएगा 825, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे 825, ये 825 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कौन से रेशो में, आप दिया रहेगा सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 दिया है, ठीक है। तो 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2:1 दिया है ना, आप यहाँ पे पहले लिखो 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे दो लोगों में, अपने पास दो लोग कौन है सर, अर्चना और प्रेरणा, कौन से रेशो में, 2:1, ठीक है। अभी देखो 825 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 का रेशो है ना, तो 2/3, ये अर्चना के लिए और प्रेरणा के लिए सेम 825 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1, तो 1/3, ठीक है। सो इसको एक बार आप सॉल्व करोगे तो 825 इंटू 2 करोगे, 5 × 2 = 0, 4 × 1 2 × 4 1 × 5 8 × 2 = 16, 1650 / 3, तो 3 × 5 = 15, 1 × 5 = 15, और ये 0, सो 550 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 550 समथिंग, ठीक है, इंटू 2/3, यस 550 आ जाएगा। सो 550 में से ये माइनस कर दोगे ना 825, तो भी आ जाएगा आपका, सो 275 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 550 275 आगे 550 और 275, देखो 550 और 275, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, वहाँ पे क्या था कैरी डाउन, यहाँ पे लिखोगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। अभी इसको भी बंद करोगे तो सेम चीज यहाँ पे, हाँ यस थोड़ा सा ये 20,600 सो 20,875, और यहाँ पे 41,750, ठीक है। सेम चीज सर यहाँ पे भी 41,750, और यहाँ पे 20,875, ठीक है। उसमें से 900 अगर जाएंगे, 20,875 में से 900 गए, तो आपके पास बचेगा 19,975, और यहाँ पे 41,750 में से 1,200 गया, तो बचेगा 40,550, ठीक है। और इसको बोलोगे आप बाय, सॉरी टू बैलेंस, ठीक है, कैरी डाउन, ओके 40,550 19,975 40,550 19,975, ठीक है। और ये था 40,550, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, और कैपिटल में आपके पास दो लोग है, ठीक है, एक है अर्चना और एक है प्रेरणा, ठीक है। तो इसका टोटल अगर आप करोगे तो 19,975, सो ये टोटल हो जाएगा 60,525, ठीक है। अभी ये सब का अगर आप टैली करोगे तो देख लो टैली कितना आता है, सो प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 17,500 प्लस 5000 प्लस 500, ठीक है, 87,525 आ जाएगा। तो देखिएगा 87,525 यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, आप भी एक बार साथ में चेक करो चाहिए तो, देखो 1750 प्लस
1700 प्लस 3000 प्लस 6 7 8300, 8300 दोनों का टोटल प्लस 1900 प्लस 12 475 प्लस 5000 प्लस 7500 प्लस 12000 तो 87525, 87525, 87525, ठीक है, 87525 एंड दैट एंड्स विथ योर क्वेश्चन नंबर, क्या था सर क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि पेज नंबर 59 पे था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी आपको डाउट रहेगा कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम का सबका आईडी आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू कनेक्ट विद अस, कुछ भी प्रॉब्लम है वी आर हियर टू डिस्कस विथ यू। सो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।